तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो कि इस वीडियो का मकसद यही होगा कि अपने ब्लॉग के लिए हम लोग कंटेंट को कैसे लिखवा सकते हैं। और यहाँ पर मैं दो टूल के बारे में डिस्कस करूँगा, एक होगा पेड टूल और एक होगा फ्री टूल। तो वो कौन सा टूल होगा मैं यहाँ पर जब स्क्रीन में आपको बताऊँगा, अब आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं शेयर करूँगा, तो आपको पूरा देखना चाहिए पूरे वीडियो को। और एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर इस कंटेंट राइटिंग में अगर आप बहुत सारे कन्फ्यूज़न को लेके चलोगे ना, तो आपका आउटकम उतना अच्छा नहीं आएगा। बहुत सारे कन्फ्यूज़न का मतलब आपको एज ए ब्लॉगर थिंक करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जिस फील्ड पर काम करोगे और जिस निश पर काम करोगे उस निश में आपको एकदम एक्सपर्ट होना है, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगा? अगर ये जो मैं कारपेट क्लीनिंग के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा, मान लीजिए आप एक नीस पर हो, वो नीस है कि आपने कभी सुना ही नहीं, ठीक है। ये हो सकता है कि ड्रोन के बारे में आप एक नीस साइट रेडी कर रहे हो, और हो सकता है कि आप आउटडोर गियर के बारे में कुछ डिस्कस करोगे अपने नीस पर। तो ऐसे जो टॉपिक के ऊपर आप डिस्कस करोगे, हो सकते हैं आपके एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो इसमें, तो आप उतना वरी मत होना, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द नीस ऐसे काम कर रहा हूँ जिसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो वो जो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आपको बताता है ना, आपको एकदम पूरे उसमें एक्सपर्ट होना है, और एक्सपर्ट नहीं होगा तो आपका कंटेंट रैंक नहीं होगा, ये एकदम गलत चीज़ है। ये मेरे साथ पे तो ऐसा नहीं होता। मेरा मोस्ट ऑफ द जो ब्लॉग है ना, वो मेरा खुद का कोई उसमें कुछ नॉलेज ही नहीं है, लेकिन मैं जो उसमें कंटेंट राइट करता हूँ ना, उसमें जो कंटेंट डालता हूँ वो एक रिसर्चफुल कंटेंट होता है। तो आप जिस निस पर भी काम करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो एक वेल रिसर्च कंटेंट होना चाहिए, ताकि गूगल में रैंक करने के बाद जो विजिटर आपको कंटेंट पड़ेगा उसको फ़ायदा मिले। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो AI का जो हाइप अभी उठा है ना, बहुत सारे ब्लॉगर आपको कहेगा कि भाई आप चैट GPT से कंटेंट लिखवा दो, विद इन फ्यू डेज आपका रैंक हो जाएगा, ये डॉलर आपको दिखाता है, उसमें स्क्रीनशॉट दिखाता है। आप क्या करोगे, जो हार्ड वर्क करने के बाद जो फ़ायदा मिलता है ना, उसको आप छोड़ दोगे। आप क्या करोगे, शॉर्टकट ट्रिक लेके उसको फॉलो करोगे। तो ऐसे नहीं होता, ये मैं एक हार्ड ट्रूथ आपको बताता हूँ। अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड में काम करोगे और इसमें अगर आपका एक लाइफ स्टैब्लिश करना चाहोगे, तो आपको यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का मतलब है कि आपको यहाँ पर कंटेंट खुद से लिखवाना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट हो तो आप अपने राइटर को हायर कर सकते हो, और एज इनिशियल स्टेज आप अगर एफर्ट नहीं कर सकते तो आप अपने खुद का कंटेंट खुद ही लिखो, ठीक है। तो कंटेंट कैसे लिखवाते हैं मैं ओवरऑल गाइड यहाँ पर आपको दे दूँगा, और उसको फॉलो करते हुए आप अच्छे खासे कंटेंट को रेडी कर सकते हो। और जो वो जो मैं पहले बताता ना जो चैट की GPT के बारे में, हाँ उसके बारे में मैं बाद में मैं वीडियो बनाऊँगा कि वो जो AI रिलेटेड जो साइट है ना, वो उसका निश थोड़ी बहुत डिफरेंट है। अगर मान लीजिए ये जो कारपेट क्लीनिंग के बारे में हम लोग निश साइट अभी रेडी करेंगे, तो उसमें अगर मैं AI से लिखवाऊँगा कुछ कंटेंट को, तो उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें जो साइट रैंक कर रहा है गूगल में, वो साइट का जो कंटेंट है बहुत वेल रिसर्च कंटेंट है। मैंने रिसर्च करके देखा, थोड़ी बहुत जो साइट रैंक कर रहे हैं ना उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जब उसमें AI को कंटेंट लिखवाने के बाद उसके साथ कंपीट करूँगा, तो उसमें रैंकिंग आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर रैंक भी मिल गए तो और कुछ दिन के बाद कि वो गायब हो जाएगा फास्ट पेज से। इसका रीज़न यही है कि जो AI रिलेटेड कंटेंट है ना, अगर उसमें अगर आप अच्छे तरीके से ह्यूमन टच नहीं दोगे, उसका प्रूफ रीड अच्छे नहीं करोगे, तो आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपके मन में यही चल रहा है कि आप एक AI टूल लोगे और
सारी के सारी जो टॉप 10 में रैंक कर रहे पेजेस, आप उसको उसके ऊपर चले जाओगे तो ये इतना ईजी नहीं है। AI रिलेटेड जो नीश है वो अलग नीश है, उसमें भी रैंक होता है और बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं डिस्कस करूँगा ये कोई AI रिलेटेड कंटेंट के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, ये एक जेन्युइन नीश साइट के लिए मैं काम करना आपको सिखाता हूँ। तो इसमें आपको खुद से कंटेंट को लिखवाना होगा या फिर आप राइटर के थ्रू लिखवा सकते हो, और कौन सी थिंग्स को आपको देखना पड़ेगा बिफोर राइटिंग कंटेंट्स, ये मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं दो टूल आपको यहाँ पर बताऊंगा, एक है न्यूरन राइटर जो कि पेड टूल है, और न्यूरन राइटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मैंने एक पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताया था, अगर उस वीडियो का आपने अभी तक नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो उसके बाद एक फ्री टूल है, वो है कि डॉके नाम का एक टूल है, ये एक टाइम में एप्सों में लाइफ टाइम डील था लेकिन वो अभी नहीं है, तो इसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, कुछ दिन के लिए ये फ्री में आपको यूज़ करके देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आप लॉग इन कर लोगे तो इस टाइप का आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ये न्यू प्रोजेक्ट में आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका जो मेन कीवर्ड है उसमें डालने के बाद जस्ट एनालाइज पर क्लिक करोगे तो ये एनालाइज करके एक डैशबोर्ड आपको यहाँ पर शो कराएगा। तो मैं ऑलरेडी इस कीवर्ड को लेके काम करना चाहता हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको रिसर्च कर लिया। ठीक है, तो मैं सिर्फ उसको क्लिक करूँगा और उसके बाद ये डॉकी उसका अंदर जो फीचर्स है आपको दिखाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसको पूरा एक बार डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसमें आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर राइटिंग पब्लिकेशन और मॉनिटरिंग, तो ये टूल में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ नहीं करता। ठीक है, ये इसको मैं यूज़ नहीं करता, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने इसको यहाँ पर दिखाऊंगा कि फ्री में हम लोग एक टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी न्यूरन राइटर के अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस कीवर्ड को जो गूगल टारगेट कर रहे हैं जो पेजेस वो यहाँ पर रैंक का शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि ये साइट का अथॉरिटी क्या है, स्कोर एज पर दिस टूल, तो ये 60 बता रहा है, ये 93 बता रहा है, ये रेडिट का एक पेज रैंक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मोर ऑर लेस ये न्यूरॉन राइटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। अच्छा, तो ये जो सारे के सारे पेज यहाँ पर दिख रहे हैं ना आपको, ये इस कीवर्ड के ऊपर अगर हम लोग रैंक करना चाहेंगे तो इसके साथ हम लोग को कम्पीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको एक कंटेंट को अच्छे तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम लोग जब हम लोगों का जो कंप्यूटर है उसके ऊपर हम लोग रैंक कर सकते। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो जो मेन कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ टारगेट कर रहे हैं, कितने बार यूज़ किया है, ये चीज़ हम लोग को पहले देखना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक सीट यहाँ पर रेडी करके रखा हूँ, ये आप देख सकते हो कि जो कीवर्ड को मैं टारगेट करूँगा वो कीवर्ड को गूगल में सर्च करने के बाद जो कंप्यूटर यहाँ पर आते हैं मैं उसको नोट डाउन करूँगा, उसके बाद उस कीवर्ड उस कंप्यूटर ने उसका मेन टाइप कीवर्ड क्या रखा है उसको नोट करूँगा। अच्छा, उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ पेजेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में कि एक साइड में एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कितने पेज है उसको हम लोग पहले एनालाइज करेंगे, उसको टोटल फाइंड आउट करेंगे, तभी हम लोगों को पता चलेगा हम जिसके ऊपर रैंक करना चाहते हैं वो कितने ऑलरेडी अथॉरिटी बना चुका है उस टॉपिक में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग उस नंबर ऑफ पेज को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको यहाँ पर ऐड करते रहेंगे कि एक कंप्यूटर ने उस टॉपिक के ऊपर कितना पोस्ट कर चुका है यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। अच्छा, उसके बाद जिस कंप्यूटर ने रैंक कर लिया उसका आर्टिकल का लेंथ क्या है, कितने वर्ड उस कंटेंट में है यहाँ पर नोट करेंगे। उसके बाद उसका कंटेंट स्ट्रक्चर क्या है, ये कंटेंट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और विद इन फास्ट 100 वर्ड्स वो ये मेन कीवर्ड यूज़ किया है या नहीं ये भी हम लोग चेक करेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस द साइट यूज्ड ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको वन बाय वन इसको पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक कंटेंट का ब्रीफ हम लोग रेडी करेंगे।
तो सबसे पहले मैं एक कीवर्ड को यहाँ पर उठा लेता हूँ, ये है कि हाउ टू रिमूव प्ले डफ फ्रॉम द कारपेट। तो इस कीवर्ड को मैंने कैसे फाइंड किया, ये कीवर्ड ग्रुपिंग कैसे किया, इसको अगर आपको जानना है तो मेरा पिछले जो वीडियो है आप उसको पूरा देखना, उसमें कीवर्ड रिसर्च कैसे किया, उसको उससे पहले भी नीश रिसर्च मैंने किया कैसे किया, वो पूरा के पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसको मैंने क्यू एज ए लो कॉम्पिटिटिव नीश कहा, ये भी आपको उस वीडियो में आपको मैं अच्छे तरीके से बता दिए थे। तो चलिए मैं इस कीवर्ड की अभी यहाँ पर लेता हूँ और सिंपली हम लोग इसको गूगल में सर्च करेंगे ताकि हम लोग को कंप्यूटर मिल जाए। तो यहाँ पर गूगल में सर्च करने के बाद जो साइट आता है ना, तो मैं अभी यही से ही उसको ले लेता हूँ। तो सबसे पहले जो रैंक कर रहा है कि carpetcap.com, तो इसको मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पर अच्छा इसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर लेते। तो ये हम लोगों का पहले मेन कंप्यूटर आ गया। अच्छा उसके बाद हम लोग उसका जो मेन कीवर्ड है वो क्या है हम लोग यहाँ पर नोट करना, हाउ टू गेट प्लेड ऑफ आउट ऑफ कारपेट, ये इसका मेन कीवर्ड था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये यूआरएल में वही कीवर्ड टारगेट कर रहा है और उसका H1 टैग में भी वही है। और यहाँ पर चेक करूँगा, आप देख सकते हो कि ये H2 टैग होगा शायद, एक बार देख लेते हैं। हाँ H2 टैग में वे वही कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, टोटल 1 2 3 4। सो साइट ओनर हैज़ यूज्ड 4 times दिस कीवर्ड्स विद इन ए शॉर्ट आर्टिकल, दे हैव यूज्ड दिस कीवर्ड इन 4 times, दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। ओके हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों को कितना टाइम्स यूज करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यह कीवर्ड को लेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे कि इस कंप्यूटर ने इस कीवर्ड को एज ए मेन कीवर्ड लेके कंटेंट को रेडी किया थे। अच्छा उसके बाद आते नंबर ऑफ पेज रिलेटेड टू द नीज, तो इसके लिए हम लोग इस गूगल प्रॉम्प्ट को यूज़ करेंगे। ये था हम लोगों का कंप्यूटर का URL, ये था उसका डोमेन, तो ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर है। तो इसके कारपेट के रिलेटेड इस साइड में कितने सारे पोस्ट है ये पहले हम लोगों को देखना चाहिए, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि हम जिससे जिसके ऊपर हम लोग लड़ाई करने जा रहे हैं, इसका मतलब लड़ाई का मतलब है हम लोग उस पर कम्पीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग उस पर साथ कम्पीट करने जा रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर ये कितना अथॉरिटी क्रिएट करके रखा है ये हम लोगों को पहले दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कारपेट हाउ मच रिप्लेस कारपेट, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे कि इसके ऊपर हम लोग कैसे रिसर्च कर सकते हैं, एक कंप्यूटर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में डिस्कस करता हूँ। मैं सिर्फ एक ओवरऑल आपको बताता हूँ कि इस रिलेटेड बहुत सारे कारपेट रिलेटेड कंटेंट है इसमें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कारपेट रिलेटेड तो कंटेंट है लेकिन इसके अंदर कारपेट के कारपेट रिमूवल कारपेट और उसके अंदर कुछ लग गए ऐसे रिलेटेड कुछ कीवर्ड यहाँ पर नहीं है, जैसे कि हाउ टू रिमूव समथिंग फ्रॉम कारपेट। ठीक है, तो इस टाइप का कीवर्ड ये अभी तक कवर नहीं किया, ये सिर्फ कारपेट रिलेटेड कंटेंट को ही साइड में डाला, लेकिन हम लोग कारपेट से कुछ चीज़ निकालने के लिए जितने भी सारे स्टेप्स होता है और जो वे है ना जो कारपेट में कुछ लग जाने के बाद प्रॉब्लम हो जाता है वो सारे के सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, तो गूगल हम लोगों का अथॉरिटी क्रिएट करेगा उस नीश के ऊपर जो कि हम लोग हाउ टू रिमूव समथिंग फ्रॉम कारपेट उसके ऊपर हम लोग क्रिएट करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग देखा कि आउट करके देखते हैं कि कितने अच्छा सिर्फ एक ही कंटेंट है यहाँ पर। ठीक है, जो कि हम लोगों का जो नीश से रिलेटेड है। अच्छा हम लोग इसको रिमूव करके देखते हैं कि रिमूव हाउ टू रिमूव कारपेट हाउ टू नो सिर्फ एक ही कंटेंट यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको
नंबर ऑफ पेज रिलेटेड टू न्यूज़ हम लोग इसको एज वन कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही कंटेंट है जो कि एग्जैक्ट इसके रिलेटेड है। ठीक है, कारपेट रिलेटेड ये इसमें तो बहुत सारे कंटेंट है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम लोग कारपेट रिलेटेड किसी कीवर्ड के ऊपर तो काम करेंगे, लेकिन उसके स्पेसिफिक जो होता है ना, हाउ टू रिमूव समथिंग फ्रॉम कारपेट, इस रिलेटेड कीवर्ड के ऊपर हम लोग अपना अथॉरिटी बिल्डअप करेंगे। तो इसीलिए सिर्फ एक ही कीवर्ड, एक ही कंटेंट में एक ही कीवर्ड टारगेट किया तो हम लोग उसको वन एज ए सिंगल पेज उसको मेंशन कर देंगे। तो आर्टिकल लेंथ उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका 1023, तो अराउंड 1000 वर्ड्स उसमें डाला है। अच्छा, उसके बाद आता है कि कंटेंट स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग सिर्फ एक क्लिक में उसको निकल सकते हैं। वो है कि ये डिटेल का एक्सटेंशन है, इसमें हम लोग आएंगे हेडिंग में आके इसको कॉपी करेंगे, सारे के सारा जो एज टैग में उसका टाइटल, एज टैग में जितना भी सारे वर्ड है हम लोग उसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि ये साइड ने एज वन टैग में, एज टू टैग में, एज थ्री टैग में जो जो वर्ड यूज़ किया है, ये पूरा का पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग का मिल गया। अच्छा, यूज़ द मेन कीवर्ड विद इन 100, तो ये जो इसका मेन कीवर्ड है ये क्या विद इन 100 वर्ड्स यूज़ किया है या नहीं, ये हम लोग पहले देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग इसको यहाँ पर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में, इंट्रोडक्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर यूज़ किया है, लेकिन विद इन 100 तो हम लोग देखेंगे विद इन 100 के आसपास नहीं, उसके विद इन 100 पर। तो इसका मतलब यही कि ये विद इन 100 के अंदर कीवर्ड को यूज़ नहीं किया। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम विद इन 100 वर्ड्स के अंदर एक बार मेन कीवर्ड की यूज़ करता हूँ, ताकि गूगल जब एज वन टैग को पिक करेगा उसके साथ साथ वो जो मेन कीवर्ड है ना, हम लोग डिस्क्रिप्शन में, हम लोग इंट्रोडक्शन में ऐड करेंगे, तो उसको एक और भी पॉजिटिव साइन मिल जाएगा कि इस कंटेंट के अंदर किसके टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो मैं फोर्सफुली उसको यूज़ नहीं करता, एज ए नेचुरल वे मैं उसको यूज़ करूँगा, ताकि रीडर और गूगल बोट को नॉर्मल लगे। तो यहाँ पर मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं बताऊँगा जब मैं इंट्रोडक्शन के यहाँ पर डिस्कस करूँगा तब मैं बताऊँगा। अच्छा, तो उसके बाद ये एक भी यूज़ नहीं किया, नंबर ऑफ कीवर्ड्स यूज़ द नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें जीरो आ गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ इमेजेस, कितना इमेज यहाँ पर यूज हुआ है, ये तो फीचर इमेज शायद एक, सिर्फ सिंगल इमेज है यहाँ पर, तो मैं इसको वन करके छोड़ दूंगा। अच्छा, ये था हम लोगों का पहले कंपेटिटर। अच्छा, उसके हम लोग क्या करेंगे, दो तीन चार कंपेटिटर को ऐसे पिक करेंगे और उस कंपेटिटर के कंटेंट को अच्छे तरीके से रीड करेंगे हम लोग। रीड करने के बाद हम लोग फार्दर स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, ताकि हम लोग जो कंटेंट करेंगे उसका आउटपुट हम लोग का जो कंपेटिटर है उससे ज़्यादा हो, उससे अच्छा हो। ठीक है, तो चलिए सेकंड कंप्यूटर को यहाँ पर देख लेते हैं। सेकंड कंप्यूटर है कि एक बहुत बड़ा साइट है ये। अच्छा, इसका कंटेंट सर इसी विद इन 200 वर्ड ये कंटेंट को कवर कर दिया, तो हम लोग इससे अच्छा कंटेंट लिखवा सकते हैं। तो इस कंटेंट में बहुत सारे गैप होगा, लेकिन ये क्यों रैंक कर रहा है ये भी हम लोग को देखना चाहिए। तो पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कि इस साइट ने कारपेट के रिलेटेड और हाउ टू रिमूव समथिंग कारपेट, इसकी टॉपिक के ऊपर कितने सारे कंटेंट यहाँ पर है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा पिछले वीडियो में, तो उसको आप ज़रूर देखना कि हाउ टू डू कंपटीशन रिसर्च ऐसे नाम के एक जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखना, तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पर वो सारे के सारे डिस्कशन नहीं करूँगा। अच्छा, तो सिर्फ यही एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर मैं इसको लेके एक बार फाइंड आउट करूँगा तो पता चल जाएगा कि कारपेट के रिलेटेड कितने सारे कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट है इसमें। अगर हम लोग उसको और भी ऐड कर सकते हैं कि रिमूव हाउ टू गेट फूड क्लियरिंग ऑफ आउट ऑफ कारपेट, हाउ टू गेट पेड ऑफ आउट ऑफ कारपेट, हाउ टू रिमूव ब्लड स्टेन फ्रॉम कारपेट, तो
तो इसी तरह जितने भी पेज आपको यहाँ पर दिखेगा आपको पूरा नोट करना पड़ेगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आप जिस साइट के ऊपर रैंक करना चाहते हैं उस साइट ने आपके नीश के रिलेटेड कितने कंटेंट ऑलरेडी पब्लिश कर चुका है। ठीक है, तभी आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितना कंटेंट पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई मेरे साइड में कितना पोस्ट डालने के बाद रैंक करेगा। ये तो आपका नीश के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप जिस कंपटीशन में आपका कंपटीटर कितने पोस्ट कर चुका है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक क्वेश्चन है कि कितने वर्ड हम लोगों को लिखना पड़ेगा एक आर्टिकल में। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द न्यूबी के माइंड में यही चलता है कि 1000 एक यूनिवर्सल वर्ड काउंट है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके नीचे भी आप कंटेंट को लिखवा सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा आपका जो कंपटीटर है वो कितने वर्ड कवर कर लिया। कितने वर्ड का मतलब है कि जिस टॉपिक के ऊपर वो डिस्कस कर रहे थे वो कितना इन डेप्थ कवर किया। वर्ड फैक्ट नहीं करता, फैक्ट करता है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर कंटेंट में लिखवाना चाहते हो वो कितना इन डेप्थ है, आप कितने अच्छे तरीके से आपका रीडर को आप समझाना चाहते हो जो कि वो गूगल में सर्च कर रहा है उस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है। तो ये था हम लोगों का सेकंड कंपटीटर। तो इसी तरह हम लोग ये जो टोटली ऑप्शन है उसको फील्ड आउट करेंगे। तो उसके बाद ऐसे 3-4 और कंपटीटर को हम लोग लेंगे, उसके साथ हम लोग अपना कंटेंट को रीड करते रहेंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक क्विक आपको आइडिया दे दूंगा कि हम लोग इंट्रोडक्शन कंटेंट का स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते। तो ये हम लोगों का पहले कंपटीटर है। अच्छा, ये दूसरा है और एक कंप्यूटर को हम लोग रेडिट को हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पर, ये भी एक क्वेश्चन आंसरिंग साइट होगा, उसको छोड़ देंगे। विकीहाउ इसको हम लोग लेंगे। तो देखिए, विकीहाउ से हम लोग कंप्यूट नहीं करेंगे क्योंकि विकीहाउ एक बहुत बड़ा कंटेंट का डायरेक्टरी साइट है, उसमें बहुत सारे कंटेंट है, तो हम लोग उस पर कंप्यूट नहीं करेंगे। उसके साथ साथ और जो कंप्यूटर है ना, हम लोग उसके ऊपर रैंक करने का ट्राई करेंगे। अगर हम लोग पास अच्छे खासे ट्रॉपिकल अथॉरिटी बढ़ जाएंगे तो हम लोग इसके ऊपर भी रैंक कर सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं कि विकीहाउ के ऊपर भी ये रैंक कर रहा है, लेकिन इसका अथॉरिटी उतना भी नहीं है। तो क्यों रैंक कर रहा है, इसका मतलब यही है कि ये जो साइट है ना, ये कारपेट के रिलेटेड एक कंपनी है शायद, कंटैक्ट है, हो सकता है ये कंपनी है। तो ये कंपनी का मेन मोटो ये है कि कारपेट के रिलेटेड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ताकि गूगल को पता चले कि इस साइट का मेन मोटो यही है कि कारपेट के रिलेटेड वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो चलिए और एक साइट ले लेते हैं यहाँ पर, ये भी एक फोरम साइट है, क्लीनपीडिया, इसको देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये एक साइट है, ये भी हम लोग उसको लेके चल सकते हैं जब हम कंटेंट को रेडी करेंगे और जब हम लोग कंटेंट का आउटलाइन क्रिएट करेंगे, तो ये साइट का भी बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। तो जब कंटेंट को हम लोग आउटलाइन कैसे क्रिएट करेंगे, इसके टाइप का जब रिसर्च करेंगे ना, तो ज़्यादातर साइट को हम लोगों को रिसर्च करना पड़ेगा ताकि हम लोग का जो आउटलाइन क्रिएट होगा वो अच्छे तरीके से हो, जो कि हम लोग जो कंप्यूटर जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग का साइट होना चाहिए। अच्छा, हाउ टू रिमूव टफ कप कंटेंट, ये क्या हो गया, खुल की नहीं रहा, इसको देख लेते हैं, हाउ टू गेट ब्लेड आउट आउट ऑफ कारपेट, अच्छा ये हो गया आपका। अच्छा, तो मैं अभी इसमें स्टार्ट करूँगा कंटेंट को कैसे लिख रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अगर ये हम लोग का मेन कीवर्ड है, तो उसके साथ साथ हम लोग जो LSI और सेकेंडरी कीवर्ड ऑलरेडी फाइंड करके रखा है उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ, ये बहुत सारे ब्लॉगर में, न्यू ब्लॉगर में ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो हम लोग का मेन कीवर्ड है, ये तो ये पहले जो कंप्यूटर जो है ना, ये टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग एग्जैक्ट इस कीवर्ड को टारगेट कर देंगे और जब पोस्ट इंडेक्स हो जाएगा तो क्या हम लोग इसके ऊपर रैंक कर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, आपको इंटेंट को सोचना पड़ेगा, इंटेंट के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि आप जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, हाउ टू रिमूव प्लेड अप फ्रॉम द कारपेट, इसका मीनिंग क्या है
और ये जो कंप्यूटर यहाँ पर टारगेट करके रखा है, हाउ टू गेट प्लेडफ आउट ऑफ कार्पेट, ये दोनों कीवर्ड का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो जब आप इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे अपने कंटेंट में इन एज ऑफ डैग, तब क्या होगा, गूगल इस कीवर्ड में आपको साइट को प्रायोरिटी देगा, जरूर प्रायोरिटी देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप विद इन ए शॉर्ट टाइम आप इसके ऊपर रैंक कर जाओगे, ना कि आप इसके ऊपर भी रैंक कर पाओगे, नहीं ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं, ये इसका स्ट्रैटेजी आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको पहले बोल दिया था कि आप जिस टॉपिक के ऊपर रैंक करना चाहते हो, आपका कंप्यूटर उसी रिलेटेड टॉपिक या उसी टॉपिक के ऊपर कितना ऑलरेडी अथॉरिटी कर चुका है, आपको पहले देखना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ब्लॉगिंग में विद इन 3 या 4 मंथ में रैंक कर जाओगे और बहुत सारे पैसे आने लग जाएगा, ये गलत सोच है, इसको आपको स्टॉप कर देना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ $1,000 $2,000 वो रैंक आर्न कर रहे हैं। देखिए वो मेरा नहीं ख्याल के उस टाइप का स्ट्रेटजी कोई आपको शेयर करेगा, क्योंकि उसमें अगर आप एथिकल ब्लॉगिंग करोगे ना, आप अपने खुद का एक्सपीरियंस आप रिसर्च करके जो अपना विजिटर को शो कराएंगे तो उसमें टाइम ज़रूर लगेगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो अगर शॉर्टकट को पकड़ के चलोगे ना तो आप ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं होगे। तो ब्लॉगिंग में सक्सेस होने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और इसमें पेशेंस अगर आपके पास नहीं होगा तो आप ब्लॉगिंग कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि विदाउट एनी पेशेंस आप इस फील्ड में टिक नहीं पाओगे, ठीक है। इसमें आपको टाइम लगेगा, अगर आप कंटेंट पब्लिश करोगे तो वो रैंक तो बहुत दूर की बात है, इंडेक्स होने में भी टाइम लगता है, कभी कभी तो ऐसे लगता है दो वीक्स भी लग जाता है, 3 वीक्स भी लग जाते हैं कंटेंट को इंडेक्स करने में। तो ये डिपेंड करता है आपके जो कंटेंट का क्वालिटी क्या है, आप कितने फ्रीक्वेंटली अपने कंटेंट को अपने वेबसाइट में पब्लिश कर रहे हो, आपका जो सर्वर यूज़ कर रहे हो उसका क्वालिटी क्या है, बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर होता है। तो मैं आपको बाद में जब ऑन पेज इश्यू डिस्कस करूँगा वहाँ पर आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आएंगे राइटिंग सेगमेंट में। जो राइटिंग सेगमेंट में आने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड को ये इस टूल ने कह रहा है कि इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब इस कंटेंट को लिखवाएंगे तो इस कीवर्ड को आपको टारगेट करना पड़ेगा, ताकि आपका कंप्यूटर जो ऑलरेडी टारगेट कर चुका है आप उसके साथ कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। तो चलिए इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये था हम लोगों का मेन कीवर्ड और ये था सेकेंडरी कीवर्ड। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक टूल यूज़ करेंगे, वो है चैट जीपीटी, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि भाई जैदुल भाई आपने तो बोला कि कोई एआई टूल यूज़ नहीं करेंगे, नहीं हम लोग यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी को ज़रूर यूज़ करेंगे, लेकिन पूरा कंटेंट को लिखवाने के लिए नहीं, एज ए असिस्टेंट हम लोग उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा, नॉर्मल प्रॉम्प्ट होगा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखवाना चाहता हूँ, तो इसका इंट्रोडक्शन का आइडिया मुझे दे दिए, ठीक है। तो सॉरी, मैंने गलत प्रॉम्प्ट डाल दिया, इसको स्टॉप कर देते हैं। राइट, अच्छा, तो
समटाइम्स चैट जीपीटी क्या करता है कि वो कुछ टफ वर्ड को यूज़ कर देता है, तो हम लोग उसको फर्दर इंस्ट्रक्ट देंगे तो इजी वर्ड यूज करके एक इंट्रोडक्शन के आइडिया देने के लिए कहा। तो यहाँ पर हम लोग के पास एक आइडिया आ गया कि हम लोग इंट्रोडक्शन को कैसे स्टार्ट कर सकते। अच्छा तो यहाँ पर मैं इसका टाइटल ऐड कर देता हूँ। अच्छा तो मैं आपको न्यूरल राइटर के बारे में भी एक बार बता दूँ। तो इस कीवर्ड को अगर हम लोग टारगेट करेंगे तो इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि ये जो NLP कीवर्ड है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एज ए पेड यूज़र। अगर आप यूज़ करोगे तो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग अभी यहाँ पर यूज़ करते हम लोग अब टाइटल इसको डाल देंगे एज ए इज वन। हम लोग इसको मेंशन करते हाउ टू रिमूव प्लेड अप फ्रॉम द कारपेट। अच्छा तो इसको हम लोग ये जो टाइटल है, सॉरी ये जो इंट्रोडक्शन है, हम लोग इसको रीड करेंगे लेकिन इसको रीराइट नहीं करेंगे और उसके साथ साथ कोई वर्ड को हेराफेरी नहीं करेंगे, क्योंकि AI का जो कंटेंट है वो उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं होता। हालांकि आपको देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छे, नहीं वो नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम AI रिलेटेड कंटेंट को गूगल इग्नोर कर देता है। ऐसे नीच में अगर आप काम करोगे, इस टाइप का नीच के ऊपर अगर AI डालोगे ना, तो रैंकिंग होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं दो तीन साइट को और भी पढ़ लेता हूँ एक बार इस साइट को पढ़ लेता हूँ। लेट अप यूज़र गो एक्टिविटी फॉर्म सीट एंड इसको देख लेते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं ऐसे प्रो इंग्लिश राइटर नहीं हूँ लेकिन मैं ट्राई करता हूँ अपने तरीके से।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने हम लोग का जो मेन कीवर्ड है एक बार उसको यूज़ कर लिए, हाउ टू रिमूव प्ले डफ फ्रॉम द कारपेट। तो ये हम लोग एक बार टाइटल में यूज़ करेंगे, उसके साथ साथ विद इन फास्ट 100 वर्ड इसको यूज़ करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोई सेकेंडरी कीवर्ड आता है, टू रिमूव ड्राई प्ले, टू रिमूव प्ले डब स्टेन। अच्छा ये इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू को यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेस्ट स्टेप्स टू रिमूव स्टेन फ्रॉम कारपेट, राइट। सो ये एक कीवर्ड हो गए हम लोग जो यहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा तो ये आप देख सकते हो कि ये जो चैट जीपीटी का कंटेंट है और ये जो कंटेंट मैं यहाँ पर लिखा हूँ ये टोटली डिफरेंट है। इसको आप एआई कंटेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मैंने इस टूल को इस साइट को भी चेक किया, उसके साथ इस टूल का जो आउटपुट एआई टूल का जो आउटपुट है उसको भी मैंने लेके एक फार्दर एक इंट्रोडक्शन का रेडी किया। तो इसी तरह आपको कंटेंट जब आप लिखाओगे ना तो इसी तरह आपको रिसर्च करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको कीवर्ड को भी यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा ड्राई क्लीनिंग, ठीक है तो रिमूव। अच्छा यहाँ पर आप ड्राई भी ऐड कर सकते हो, ड्राई प्लेड ऑफ फॉर्म क्लीनिंग, ठीक है तो यहाँ पर ड्राई भी ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ रिमूव यूज़, बहुत सारे ये आपका कीवर्ड है, ये आपको वन बाय वन यूज़ करना पड़ेगा। जब आप एक पूरा कंटेंट को आप लिखा दोगे ना तो इजी हो जाएगा इस टाइप का कीवर्ड को ऐड करने में। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंप्यूटर का रिसर्च होगा यहाँ पर, यहाँ पर जो कंटेंट का स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग देखेंगे, उसके साथ साथ हम लोग उसको फॉलो करते रहेंगे। अच्छा तो मैं सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को देखता हूँ कि हाउ टू गेट प्लेड अप आउट ऑफ कारपेट, यहाँ पर थ्री मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग समझ गए कि ये जो थ्री मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग उस पर टारगेट करेंगे फाइव मेथड के बारे में डिस्कस करने के। तो फाइव मेथड, वो जो दो एक्स्ट्रा मेथड होगा वो हम लोग एक यूनिक मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको हो सकता है किसी और कंप्यूटर से आइडिया ले और या हम लोग गूगल से या सॉरी यूट्यूब से भी ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं मैं आपको आपको बताता हूँ। अच्छा तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एच टू टैग यूज़ करेंगे। अच्छा तो उसके लिए हम लोग जो सेकेंडरी कीवर्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू रिमूव ड्राई प्ले आउट। तो इसको हम लोग यहाँ पर देंगे तो ये हो गया हम लोग का एज टू टैग, राइट। तो आप देख सकते हो कि कंटेंट का स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हाउ टू रिमूव ड्राई प्ले आउट फ्रॉम द कारपेट, तो यहाँ पर हम लोग जो स्टेप्स होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग थोड़ी बहुत उसको रीड कर लेते हैं पहले। अच्छा तो इंट्रोडक्शन के बाद ये टोटली जिस स्टेप को यहाँ पर डिस्कस कर लिया, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत और इंट्रोडक्शन नहीं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च के बारे में मैं बताऊँ कि ये जो प्लेड अप है ये प्लेड अप क्या है और इसका एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, ये कैसे बनते और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा एक अगर किसी कपड़े के ऊपर या कारपेट के ऊपर लग जाए तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो स्टेप होता है उसको वन बाय वन ऐड करते रहेंगे। तो ये प्लेड अप जो है ना इसके बारे में हम लोग विकिपीडिया में ऐड स्टार्ट कर तक विकिपीडिया
अच्छा तो हम लोग उसको प्लेट अप स्टेन करके अच्छा तो प्लेट अप का जो स्टेन है ना उसके बारे में अगर कोई प्रॉ है तो एक बार देख लेते हैं कि विकिपीडिया विकिपीडिया से हम लोग को अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है। अच्छा तो हम लोग यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो देखिए और क्या है तो है विकिपीडिया प्लेट अप स्टेन हाउ टू रिमूव विकिपीडिया। जैसे एक ही कंटेंट यहाँ पर है और कोई कंटेंट नहीं दिख रहा अभी। अच्छा तो यहाँ पर आपको वो जो प्लेड ऐप की ना उसके बारे में आपको एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए ताकि आपका कंटेंट का क्वालिटी और भी अच्छा हो। आप देख सकते हो कि ये जो कंटेंट है ये उतना डिटेल में नहीं है कि प्लेड ऐप किस चीज़ के ऊपर बने हैं और इसका साइड इफेक्ट क्या है, प्लेड ऐप बेबी और चाइल्ड खेलने के बाद क्या होता है या वो जो और भी सारे प्रॉब्लम है ना उसको हम लोग थोड़ी बहुत उसको डिस्कस करेंगे तो ये यूनिक हो जाता है। अच्छा तो उसके बाद हम लोग स्टेप्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे टिप्स के बारे में है। ये से थ्री टिप्स के बारे में है। ये कि हाउ टू गेट प्लेड ऑफ आउट ऑफ कारपेट विद विनीगर, ये विनीगर के थ्रू उसको यूज़ कर उसको रिमूव करेगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड है यहाँ पर। अच्छा उसके बाद वो WD-14 इस एक केमिकल है इसको यूज़ करके उसको रिमूव करना चाहते हैं। और एक थर्ड है कि विथ आइस, ये जो स्टेप यहाँ पर है आप अगर आप इस स्टेप्स को डिस्कस करने के साथ साथ एक इमेज और वीडियो दोगे ना तो आपका कंटेंट का क्वालिटी बहुत ही रिच हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप जो कंटेंट लिखवाना चाहते हो उसमें कितना इमेज है, उसका वीडियो क्या है, ठीक है। आप उस जो जितना अच्छे तरीके से आप अपने रीडर को समझाओगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपके कंटेंट को एक विजिटर बहुत टाइम लेकर रीड करेगा तो आपको बाउंड्रीज बहुत कम हो जाएगा। अगर बाउंड्रीज कम कम हो जाएगा तो उसका मतलब यही हुआ कि आपका कंटेंट विजिटर ने बहुत टाइम से लेके पढ़ रहा है तो आपको रैंकिंग बहुत लॉन्ग टाइम पर मिलेगा। अच्छा तो यहाँ पर एक है डू इट डाई मॉइस्चर एंड रिमूव, सॉरी मॉइस्चर एंड रिमूव एंड फ्रीज एंड स्क्रैप मेथड, हाउ टू गेट प्लेट अप आई गोना डू इट ड्राई। अच्छा तो ये एक स्टेप के बारे में है, ये स्टेप को एक बार देख लेते हैं, अलाउ प्लेट अप टू ड्राई कम्प्लीट। अच्छा तो ये ड्राई होने के बाद उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ये भी एक स्टेप्स हो गया। तो ये स्टेप हम लोग वन बाई वन उसको ऐड करते रहेंगे। तो सिर्फ मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत आइडिया आप सिर्फ थोड़ी बहुत आइडिया आपको बताता हूँ कि हियर आर द सम स्टेप्स That you to अच्छा टू रिमूव ठीक है। तो और भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं लेकिन अभी तक इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर वन बाय वन जो स्टेप्स है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सॉरी तो पहले जो था ये कहा गया, अच्छा ये था विनीगर। अच्छा तो इसको हम लोग लेंगे यहाँ पर, ये था हम लोगों का फास्ट मेथड, इसको हम लोग H3 में कर देंगे। उसके बाद आता है ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग गाइड करेंगे। उसके बाद है कि WD-40, तो आप सोच सकते हो कि भाई ये जो कंटेंट हम लोग लिखवाएंगे ये तो हुबहू कंप्यूटर जो कवर किया तो वो भी कवर हो जाएगा ना, लेकिन ये आप सही कहा। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से रिसर्च करोगे, मैं तो यहाँ पर रिसर्च उतना नहीं कर रहा लेकिन अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको और भी बहुत सारे आइडिया मिल जाएगा कि आप उस ट्रेंड को कैसे रिमूव कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर। अच्छा ये एक थर्ड स्टेप है, इसको हम लोग H3 में यूज करेंगे। अच्छा ये था थर्ड स्टेप्स
उसके बाद हम लोग इसको भी एक बार चेक करें, वैक्यूम एज मच ऑफ द प्ले एज, अच्छा अच्छा अब हम वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं, वैक्यूम आप सॉरी वैक्यूम क्लीनर नहीं, वैक्यूम आप एज मच एज पॉसिबल एज मच, अच्छा डंपिंग ए क्लोथ विथ हॉट वाटर एंड प्लेस इट ऑन द टॉप ऑफ द प्लेट ऑफ, अच्छा ये भी एक अच्छा टेस्ट है, डंपिंग ए क्लोथ विथ हॉट वाटर लेट इट सिट बैक, ये भी हम लोग अच्छा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कीवर्ड को बार बार यूज किया है, हाउ टू गेट प्लेड आउट ऑफ कारपेट, हाउ टू गेट प्लेड अप आउट ऑफ कारपेट, हाउ टू गेट प्लेड अप आउट ऑफ कारपेट, तो इस कीवर्ड को बार बार स्टाफिंग किया है तो हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे ऐसे तरह मेथड वन मेथड टू मेथड थ्री मेथड फोर। तो आप फोरम को भी रीड कर सकते हो इस टाइप का जो मेथड है उसको जानने के लिए, और सोशल मीडिया है आप यूट्यूब भी देख सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग YouTube से कैसे आइडिया जनरेट कर सकते हैं, वो जो AI टूल है ना उसको हेल्प से हम लोग अच्छे तरीके से एक आइडिया ले सकते हैं। अच्छा हाउ टू रिमूव प्लेड अप फॉर्म कारपेट, अच्छा इस वीडियो को यहाँ पर ओपन करेंगे और हम लोग ये जो टूल है ना इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पर समराइज वीडियो करके जो ऑप्शन है उसको यूज़ करेंगे, ये हरपा AI है जो पिछले एक वीडियो में मैंने उसको आपको बताया था कि हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा तो इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इट्स लुक्स वीडियो एज नॉट ट्रांसक्रिप्शन, अच्छा तो इसका कोई प्रॉब्लम है शायद, तो मैं दूसरे इसको देख लेते हैं, अच्छा यार हम लोग AI को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके साथ साथ समराइज और टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो देखते हैं कि इस टूल ने इस वीडियो को रीड करके क्या देता है। ऑप्शन गूगल जेमिनी इज नॉट अवेलेबल फॉर योर अकाउंट प्लीज मेक श्योर जेमिनी, अच्छा तो इसको गूगल का जो अकाउंट साइन अप करने के लिए कहा है क्या, अच्छा इसको एक बार चेक कर लेते हैं, तो साइन अप हो गए हम लोग, तो यहाँ पर फिर से ट्राई करेंगे एक बार, तो यहाँ पर हाँ हम लोग आएंगे और इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके समराइज वीडियो को देखेंगे कि क्या था इसका, तो इसी तरह जो सोशल मीडिया साइट है आप देख सकते हो कि एक स्टेप से एक मेथड आप कह सकते हो कि इस मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हो कि हाउ टू क्लीन अप फ्रेश लाइम कहा गया फ्रेश स्लाइम फ्रॉम कारपेट स्कूप अप एक्सेस स्लाइम विथ स्पून, ये स्टेप आपका एक और भी मेथड हो सकता है, और भी हम लोग देखेंगे किसी दूसरी वीडियो पर, उस वीडियो को आप सिलेक्ट करना जिसमें पीपल का एंगेजमेंट ज़्यादा हो और उसका क्वालिटी भी ज़्यादा हो, तभी तो आपको फ़ायदा मिलेगा ना स्टेप निकालने में, तो टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस वीडियो में आपको कोई न्यू मेथड सीखने को मिला या नहीं। एक स्टेप से द फर्स्ट स्टेप तो रिमूव प्लेड ऑफ फ्रॉम कारपेट वन प्लेड ऑफ कहा गया वन प्लेट ऑफ इज साबन यू कैन वॉश इट विथ सॉप एंड वाटर, अच्छा ये सॉप एंड वाटर के बारे में बोले कि आप जिसके ऊपर प्लेट ऑफ लगी है आप उसको सॉप और वाटर से क्लीन कर सकते हो, ये भी एक मेथड हो सकता है, तो ये एक अच्छा टूल है आप इसको यूज़ कर सकते हो एज आपका असिस्टेंट, ये आपका जो वीडियो है उसको यूज़ करके एक उसका आउट उसका जो क्या बताओ समराइज करके आपको एक आइडिया देगा कि आप इसके ऊपर भी अपने कंटेंट में
रीड कर राइट कर सकते हो। सो गाइस, आई होप के इस वीडियो को आप देखने के बाद आपका कंटेंट राइटिंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। और ये जो टूल के बारे में मैं आपको बताया था, आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये जो कीवर्ड है, आप पूरा एक बार कंटेंट को लिखने के बाद इस कीवर्ड को आप यूज़ करोगे, इसको आप यूज़ करोगे तो कितना टाइम यूज़ करोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और अगर आप उसको स्टाफिंग करोगे ना तो आपका आउटपुट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो ऑलवेज मेक इट नेचुरल। अच्छा, तो अगर आप न्यूरन राइटर को यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कितने टाइम को आप यूज़ करना है, और यहाँ पर ग्रीन होते रहेगा आप इसको यूज़ करेंगे, और इसका आउटपुट भी बहुत अच्छा होता है। तो और आप इसको इसका एक कंप्लीट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, तो आप उसको देख सकते हो। तो ये था कंटेंट राइटिंग का एक टोटल मेरा एक्सपीरियंस। मैं कंटेंट जब लिखवाता हूँ तो इस स्टेप्स को ही फॉलो करता हूँ। अगर इस वीडियो को आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा ये फ्री टूल में यहाँ पर आपको आपके साथ डिस्कस किया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम NLP कीवर्ड फ्री में नहीं मिलता, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो एज ए फ्री। सो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखो, और आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करो ताकि ब्लॉगिंग रिलेटेड बेनिफिट वो भी ले सके। तो चलिए मिलते एक नई वीडियो पर। थैंक यू।